दिल्ली के नए उपराज्यपाल अनिल बैजल को आए अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए और केजरीवाल सरकार के साथ उनका टकराव भी दिखना शुरू हो गया है। दरअसल डीटीसी बसों के किराए को 75% तक कम किए जाने के केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव वाली फाइल को उपराज्यपाल ने वापस कर दिया है। दिल्ली परिवहन मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिसंबर में ऐलान किया था कि नॉन एसी बसों के किराए में 5 रुपये और एसी बसों के किराए में 10 रुपये की कटौती करने का फैसला लिया गया है। इस प्रस्ताव पर मंजूरी के लिए फाइल एलजी अनिल बैजल को भेजी गई थी, लेकिन एलजी ने ये कहते हुए फाइल वापस लौटा दी कि दिल्ली सरकार इस प्रस्ताव पर फिर से विचार करे। एलजी का कहना है कि 2009 के बाद से डीटीसी के किराए पहले ही नहीं बढ़ाए गए। डीटीसी पिछले 5 सालों से भारी घाटे में चल रही है। ऐसे में केजरीवाल सरकार के इस फैसले से करीब 50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार और पड़ेगा। आपको बता दें कि पहले भी पूर्व एलजी नजीब जंग के साथ दिल्ली सरकार के मतभेद रहे हैं। बात इतनी बढ़ गई कि अधिकारों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची थी। नजीब जंग के जाने के बाद लग रहा था कि शायद नए एलजी से सरकार के रिश्तों में कुछ सुधार आएंगे, लेकिन यहां तो नए एलजी के पद संभालने के 2 हफ्ते बाद ही विवाद शुरू हो गया। ऐसे में ये विवाद क्या रंग लेगा, ये देखना बाकी है। देखते रहिए डीबी लाइव।